नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेकर के आ चुके हैं फीटर ट्रेड के प्रैक्टिस सेट टू को, जो कि सीवीटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, अगर आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं सीवीटी का, तो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। इसके फर्स्ट पार्ट को हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, और इस तरह की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग डिस्कशन पर आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करेंगे 58 नंबर से, और 58 नंबर से पहले के सारे क्वेश्चन हमने इसके फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करवा लिया है। टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। 58 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेनेसिटी। टेनेसिटी जो है यहां पर 58 नंबर का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में नीचे की ओर जो आकृति दी गई है, जो टूल दिया गया है, इस टूल का नाम तो आप लोग जान रहे हैं कि इसे क्या कहते हैं, और इस एक्स वाले भाग का नाम आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस को, और यहां इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनविल। एनविल यहां पर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है? ए नंबर 0.01 mm। क्वेश्चन नंबर 61 है, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है, जो कि यहां पर चिन्हित है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर इसके ये पॉइंट को दर्शा रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा पॉइंट एंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 है कि ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? तो यहां दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉर्स टेपर। क्वेश्चन नंबर 63 है, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है ड्रिफ्ट का। ए नंबर यहां पर इसका राइट आंसर होगा। नेम द टेप वेंच यूज इन द रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस। प्रतिबाधित स्थानों में उपयोग किए जाने वाला टेप रिंच का नाम बताइए। 64 नंबर का यहां क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, टी हैंडल टेप वेंच। इसका हम लोग कहां प्रयोग करते हैं? रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस में। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं कि इन द आईओएस मेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टेप ड्रिल साइज ऑफ M10 इंटू 1.5 थ्रेड। तो यहाँ पर आप आईओएस मेट्रिक सिस्टम के जो फॉर्मूलाज हैं उसको यहाँ पर यूज करना होगा। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा 8.2 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा 65 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 66 है, ड्रिलिंग ऑपरेशन के फीट की इकाई क्या है? राइट आंसर होगा बी नंबर, mm बाई REV। क्वेश्चन नंबर 67 है, वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। वर्नियर कैलिपर का चित्र बना हुआ है, और एक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है, इसका नाम आप लोग जानते हैं। इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेप्थ बार, जिससे हम लोग गहराई वगैरह को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट। संयोजक सेट, यानी कि जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं, में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है? तो इसकी एक्यूरेसी होती है 1 डिग्री। ए नंबर 68 नंबर का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होती है? तो ये होती है सी नंबर, यानी 0.002 mm पर 10 mm लेंथ। ठीक है, सी नंबर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्क। तो डॉट पंच का हम लोग उपयोग करते हैं पंचिंग के लिए। ए नंबर यहां पर इसका राइट आंसर होगा। 71 नंबर का क्वेश्चन है, उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइस पॉइंट और दूसरी टांग मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विथ एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंड। ठीक है, क्लियर हुआ यहां पर? राइट आंसर होगा जैनी कैलिपर। जैनी कैलिपर की एक टांग मुड़ी होती है, और दूसरी जो होती है वो एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट वाली होती है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सरफेस गेज। नीचे सरफेस गेज का चित्र बना हुआ है, और एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। तो 72 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्नग। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे,
कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द कॉम्बिनेशन सेट। इस कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित इस भाग का नाम आपको बताना है। तो इस चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोटेक्टर हेड। डी नंबर यहां पर इस कॉम्बिनेशन सेट के अंतर्गत राइट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड। किस प्रकार का डेटम का पालन किया है, नीचे को आप एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए चित्र को। और आइए क्वेश्चन नंबर 74 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इडेज डेंडम जो होगा वो यहाँ पर ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि इस समांतर ब्लॉक का नाम क्या है। तो इसका नाम आप लोगों को गैस करना है कि इसका नाम क्या है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एडजस्टेबल पैरलर ब्लॉक। ये जो है डी नंबर जो है ये ऊपर दिख रहे ब्लॉक का नाम हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए वी ब्लॉक। ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ प्रयोग किया जाता है हाई क्वालिटी स्टील का, उच्च गुणवत्ता वाली स्टील का। सी नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है डायमंड पॉइंट चीजल का, जिसकी प्रयोग से हम लोग जो है वो मटेरियल्स को रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस फाइल में एक दिशा में दांत कटे होते हैं। सिंगल कट फाइल, सिंगल कट फाइल में जो है वो एक ही दिशा की तरफ दांत जो है वो कटे हुए होते हैं, तीत कटे हुए होते हैं। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो रैप्स कट फाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए। क्यों फाइलों के कटिंग फेस की लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है। तो बेवल करने का क्या कारण है। कारण है फिलिंग फ्लैट सरफेस इज मेड इजियर। फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसानी से करने में जो है वो आसानी होती है। बी नंबर यहां पर 80 नंबर का राइट आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। 81 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1.8 mm। डी नंबर यहां पर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा। एक छेनी का, एक चीजल का अगर क्लियरेंस एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, इसके कारण क्या होगा, कटिंग इडेज विल ब्रेक। कटिंग इडेज जो है वो टूट जाएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिविटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। 83 नंबर का राइट आंसर होगा बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं, रिविटिंग वगैरह के कार्यों के लिए करते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति की इकाई क्या होती है। बीबीआई क्वेश्चन ही वाला। 84 नंबर का राइट आंसर होगा सी, एम पर मिनट। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिलिंग। ये जो ड्रिलिंग मशीन है एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। 85 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, लिप। ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा। ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, एक्स के रूप में ये चिन्हित भाग है, इसका नाम को बताना है। ऑप्शन आपके सामने नीचे आ चुके हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ड्रिल चक। 86 नंबर का ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड। थ्रेड का माइनर व्यास क्या है। डी नंबर, डी नंबर का जो है ऑप्शन नंबर डी, मेजर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस टू अंडर ब्रैकेट टू इंटू डेप्थ। डी नंबर राइट आंसर होगा। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है माइक्रोमीटर में। यहाँ पर एक्स के रूप में चिन्हित ये वाला भाग का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा थिम्बल। सी नंबर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 to 75 mm। ए नंबर 63.63, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। नीचे देखिए यहाँ पर एक्स के रूप में ये वाले चिन्हित भाग है जो इसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा फाइन एडजस्टेबल स्लाइड। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, नेम द वाइस। नीचे दिख रहे इस वाइस का आपको नाम को बताना है। तो अगर आप लोग सही से आईटीआई कर रहे हैं तो इसका नाम आप लोग इजीली बता सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि इसका नाम क्या है। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर पार्ट टू क्लोज होता है।
और मिलेंगे हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट 3 में, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो आगे भी हम लोग इस तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।